Ben eğitimdeyken bir tane komutanım vardı. O zamanlar çok üzülürdüm başıma gelenlere. Yani ailemin öyle... Elde edilen bilgilere göre senin bir kardeşin varmış. Ve bu kardeşin kayıpmış. Sen bu yüzden... Heh, gör Alican, gör. Bak eski üsteğmenin çeteye katılmış. Geçmiş olsun. Eşini tanıdım. Saf bir kız. Bence de o azmettirmiş olamaz. Eksik olmayın komutanım. Ne bir yakmış olmasın. Ben de diyorum ki dedikodular üstünden yürümesek de Ceylan'ın erkek kardeşini bulmaya mı odaklansak? Jandarma teşkilatı. Her bir taraftan araştırıyoruz, ulaşmaya çalışıyoruz. Sen biraz dişini sıkacaksın ama tamam. Merak etme, halledeceğiz. Yeri kalacağımız kişiyi seçemiyorsunuz. Hayır, yani ben bir soru sormak istedim sadece. Sen burada ne kadar az soru sorarsan o kadar az bela. Kimseye zarar vermedim Ali Bey. Yani... Balcı Osman'a vurulmasını sen emretmedin. Sen babamı benden daha iyi tanırsın. Peki sen beni tanımadın mı? Zalimlere neler yaptığımı duymadın mı? Sana bunu yaptıran kişinin adını söyle. Bakın. Ben bir iftiradan dolayı buradayım. Sizden bir şey beklediğim için söylemiyorum. Ben kendi halinde bir insanım. Burada kimseyle ne dost olma peşindeyim. Uzunuz lan kendi aranızda. Uzak durun, kötü bir haber aldık. Ne oldu? Yakışıklıyı başkasına mı kaptırdınız? Biraz saygılı olun kızın kardeşi. अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदल है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की मां का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए
और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया।
फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात कहती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात कहती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है।
दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मार कर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मार कर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मार कर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे।
इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो।
अस्सलामुअलैकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आपसे अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सिर्फ आपके बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है, दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आपसे अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सिर्फ आपके बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है, दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आपसे अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सिर्फ आपके बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है।
दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी टोप में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करते हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी टोप में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करते हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे।
इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन शारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन शारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन शारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो।
अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है।
मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ। बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए, इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरबाब का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? जरबाब की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरबाब इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरबाब से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरबाब के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन जरबाब के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ। बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए, इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरबाब का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? जरबाब की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरबाब इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरबाब से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरबाब के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन जरबाब के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ। बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए, इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरबाब का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? जरबाब की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरबाब इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरबाब से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरबाब के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए,
और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है। क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो, और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है। क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो, और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है। क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो, और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया।
फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी टोप में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़ कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात कहती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी टोप में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़ कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात कहती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी टोप में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़ कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है।
दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे।
इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात कहती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रोकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात कहती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रोकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात कहती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो।
अस्सलामुअलैकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ आपके बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ आपके बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ आपके बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है।
दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है,
तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदल है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो।
अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए, इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए, इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है।
दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन जरब आप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरब आप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, जरब आप के रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरब आप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरब आप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली, वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन जरब आप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरब आप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, जरब आप के रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरब आप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरब आप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली, वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन जरब आप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरब आप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, जरब आप के रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरब आप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरब आप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे।
इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात कहती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात कहती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानेब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात कहती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो।
अस्सलामुअलैकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आपसे अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ आपके बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आपसे अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ आपके बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आपसे अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सिर्फ आपके बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है,
मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ। बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए, इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरबाब का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? जरबाब की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरबाब इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरबाब से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरबाब के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन जरबाब के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए, इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरबाब का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? जरबाब की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरबाब इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरबाब से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरबाब के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो। जिस पर उजाला कहती है, क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन जरबाब के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए, इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरबाब का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण? जरबाब की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरबाब इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती। अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरबाब से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरबाब के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है, बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है,
तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलामुअलैकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। सर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में वो जाला जवाब इसकी मुँह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ चलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो।
अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है कि 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है।
दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन जरब आपके ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरब आप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, जरब आप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरब आप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मार कर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरब आप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन जरब आप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरब आप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, जरब आप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरब आप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरब आप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी, मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है, प्रिंसिपल क्या बन गई तुम तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन जरब आप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर जरब आप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, जरब आप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। जरब आप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो जरब आप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है,
तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में और जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में और जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो। अस्सलाम वालेकुम वीवर, किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जर बाप से अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया, वो सर बाप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए, और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में और जाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो, जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है। मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांजी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदलना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो।
अस्सलामुअलैकुम वीवर किरण ने फायजा को घर से निकालने की धमकी दे दी। जरब आपसे अपनी बहन की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई, किरण को थप्पड़ मारकर इसे घर से जाने का फैसला सुना दिया। फायजा की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वो जरब आप के बच्चों के बगैर नहीं रह सकती। वो किरण को जाने से रोकती है तो किरण शर्त रख देती है कि मैं एक ही शर्त पर यहाँ रुकूंगी, अपनी बेटी से कह दे कि अभी अभी मेरे पैरों में गिर कर मुझसे माफ़ी मांगे। इधर आप देखेंगे उजाला इस बार किरण की किसी रोब में नहीं आने वाली। वो किरण से कहती है बिल्कुल ये तुम्हारी माँ का घर है, तुम्हारा हक है इस पर, इस बात पर तो इनकार है ही नहीं, लेकिन सारदाबाजी को हमने रखा है और तनख्वाह भी हम देते हैं। ये सुनकर किरण मजाक उड़ाती है कि जुमा जुमा हर दिन हुए नहीं काम करती हुए और अपने पैसों का रोब जमाने लगी। मासी की क्या बात कर रही हो, मेरे ससुराल में ऐसे 8 नौकर हैं। जवाब में उजाला जवाब इसकी मुंह पर मारती है, क्या 8 नौकरों वाला ससुराल तुम छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो जहाँ एक भी नौकर नहीं। किरण ये सुनकर बहुत हैरान होती है। प्रिंसिपल क्या बन गई तुम, तो और ही बन गई हो, जिस पर उजाला कहती है क्योंकि मेरी नीयत साफ है। दूसरी जानब आप देखेंगे अगले ही दिन सर बाप के ऑफिस जाने से पहले किरण इससे बात करती है, मैं सोच रही हूँ मिसेस कमाल की तरह मैं भी हेल्थ क्लर्क ज्वाइन कर दूँ, बस आप इसके लिए मुझे 5 लाख का चेक दे दे, पार्टी पर जाने के लिए इसके अकॉर्डिंग अच्छे ब्रांडेड कपड़े खरीद सकूँ। ये सुनकर सर बाप का मुँह कोले का कोला रह जाता है। दिमाग ठीक है तुम्हारा किरण, सर बाप की रिएक्शन पर मुँह बनाती है कि अपनी बहन और बांझी पर लाखों खर्च कर सकते हैं, मेरे लिए आपके पास पैसे ही नहीं। सर बाप इसे समझाने की कोशिश करते हैं, महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से इंसान में क्लास नहीं आ जाती, अगर कुछ बदल करना है तो अपना रवैया बदलो, अपनी सोच बदलो।